पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे धरना स्थल दुर्ग में पहुंचने से रोकने के लिए बजरंग दल के गुंडों ने सिरसा गेट में ही रास्ते में रोक लिया और मेरे सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर झूमाझटकी की गई। चक्का जाम होने की सूचना प्रशासन ने हमें नहीं दी थी। इस बात से साफ जाहिर है कि मुझे राज्य सरकार द्वारा धरना स्थल पर जाने से रोका जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध, और यही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे उनके द्वारा कल शायद भिलाईती में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात यह है, और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यदि वहाँ चक्का जाम की सूचना पहले से थी, पहले चक्का जाम होता प्रशासन हमको बता देते, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी दूसरे रास्ते से लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए। तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की किए। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश हो कि कुछ भी कर लेंगे, प्रशासन मौन होकर देख रही है।